हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज, अभी बच्चों को तैयार करने का समय। तो आज सारे बच्चे जाएंगे नई यूनिफॉर्म पहनकर, और बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट लेवल की खुशी एकदम बच्चों के दिल में। मिस्त्री का वेट करते करते हमारी इन सीढ़ियों पे जर भी लग गया, क्योंकि इस पर प्राइमर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इस पर एक मार मारना पड़ेगा, तब जाके जो है इस पर प्राइमर लगेगा। देखो, इन रेलिंग पर तो हो गई थी, लेकिन ये सीढ़ियाँ जो हैं वो बाद में आई थी, इस वजह से इनका काम अभी अधूरा है। ये फिक्स नहीं हुआ कुछ नहीं, और बच्चे मुझे अकेले छोड़कर यहाँ पे चले गए घर, और सारे के सारे जब मैं घर थी वे घेर में थे, अभी मैं यहाँ आई हूँ तो ये घर चले गए। आप तो सारे के सारे ड्रेस पहन के जाएंगे। कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग आरुषि, उठ जाओ, चलो ब्रश करो। उठो बेटा, नंदू उठ जाओ। ए गुड्डू, गुड मॉर्निंग नंदू। तो भाई, अभी बच्चों को तैयार करने का टाइम हो चुका है। अब देखते हैं आज इनकी कौन सी ड्रेस की टर्न है, और हाउस ड्रेस की है शायद। आज सैटरडे है ना, और सारे के सारे नु खुश हो रहे हैं, आज तो ड्रेस में जाओगे। सारी ड्रेस निकाल लूँ मैं, ये तो वाइट वाली पहन के जानी सॉक्स तो। और इनके सूज भी आ गए थे, रात गुड्डू के पापा ले आए थे बाद में जाकर, तो सारों की आ गई, बस गुड्डू की रह गई। गुड्डू की भी बन जाएगी तब तक, और इनके सॉक्स तो नीचे पहन लेगा बेटा। ये आरुष के लिए जा रही मैं, और ये आप पहन लियो, ठीक है? साइज दोनों का एक ही है। आई कार्ड लेके पूरी गुजोरी है, कल तेन क्या सबसे पहले मेरा आई कार्ड आ गया। इस बार इसका फोटो बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा गुजोरी है। ये देखो, इस बार थोड़ा अच्छा फोटो दे रखा, पिछली बार वरना ऐसा बना। नंदू बंदर आ रहे, कोई बात नहीं, मैं आने लग रही, अकेला कुछ नहीं है, मैं हूं नहीं क्या। चाचा जी को मिली सुबह सुबह सोने की लोंग, देखो सोने की लोंग कहाँ है, ये तो स्टोन है। सोने की लोंग बता रहे, डायमंड है, हीरे लग रहे इसमें, हीरे को तो क्या दिया चाचा जी ने सुबह सुबह तुझे, डायमंड डायमंड दे दिया भाई सुबह सुबह, तुझे तो अमीर बना दिया। क्या कह रहे? अच्छा, ये दर्द है आज तो, वहाँ है ना पूरा एवरीथिंग, वहाँ है ना अपनी ड्रेस, आप को लिया ही ठाक है। देख, चलो ब्रश करो, चलो ब्रश करो फटाफट। आप सभी को मेरे प्यार भरा राम राम। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, ये देखता हूँ गुड्डू दीदी जाके क्या कर रही है। तो भाई आज आए हैं ये स्टूडेंट्स प्रॉपर ड्रेस में। ड्रेस आ गई थी इनकी कल, और आज इनका है शुभ मुहूर्त, जूते जुराब ड्रेस सब चीज़ का। तो आज लगे हैं प्रॉपर स्टूडेंट। क्या हो रहा बेटा, टाइट नहीं पहना करते ज़्यादा? अरे थोड़े से मार्जिन लेके चलने पड़े हैं भाई, नहीं तो अगले सेशन में छोटे हो जाएंगे ये, जब जुलाई से शुरू होगा सेशन है। और नंदनी, नंदनी की भाई ड्रेस एकदम बिल्कुल परफेक्ट आई है। हैं क्या, रुक जाओ, हम तो सोच रहे थे भाई इसका साइज नहीं मिलने का, लेकिन वहाँ तो नन्हे नन्हे से भी साइज थे हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपनी क्लास का सबसे हड़का है, या इससे भी छोटे? आपसे छोटे हैं, आपसे भी हैं। मुझे तो लग रहा कि भाई ये सबसे हड़का स्टूडेंट्स है, वजन में भी हैं और ड्रेस में भी। ये है भाई इसका पेंसिल बॉक्स, इसमें कुछ गेम्स भी हैं, हैं गोली सी घूम रही, इसीलिए ये सब पसंद आया। नहीं, पेंसिल्स रखने को तो पहले भी थे, बॉक्स अच्छे हैं वे भी, और बस बच्चों को तो देखने का हुआ है भाई। है गोले से हैं आपके पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में, और अब मज़े आ गए थारे तो भाई। हैं पेंसिल इरेजर शॉर्पनर के साथ में जो है कलर तो गंदे, अच्छा रंग बिरंगे कलर तो, हाँ रंग बिरंगे ही होने चाहिए, जैसे कि आपकी देखो ये ड्रेस आ गई है। ब्रेकफास्ट में बन रहा है इनके लिए हल्का फुल्का राजमा और रोटी, आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, और बच्चों भी यही मिलेगा। और दो बच्चे आए थे अभी अभी हैं, और कह रहे आम खट्टा है, टेस्ट करके देख लिया, चखा अभी दो तीन ने, और आरुषि आरुष और गुड्डू अभी तीन नहीं चखा, यही खाते हैं आम, और कह रहे खट्टा है, मगर बेटे अभी खट्टे आम ये बाहर के आ रहे हैं, मीठे आम अभी आए नहीं हैं, या फिर यही खट्टा हो सके, मेरी गलत फहमी हो, मीठे इसमें भी आते होंगे। तो ये बन रही हैं थोड़ा थोड़ा रोटी, थोड़ा थोड़ा पराठे टाइप में, तो
तो रोटी कम पराठा और ये राजमा ही रहेगा आज, और तैयार हो गए हैं, बस थोड़ी सी देर है चलने में यहाँ से निकलने में। क्या हो रही गंदी? प्लेट साफ कर लो। हैं कैसे साफ करते हैं? गुड्डू से खा ले। खट्टा है या मीठा है? खट्टा। ये भी खट्टा बता रही है, चौथा बच्चा है जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, बता रही है खट्टा और फिर भी खाए जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा तो खट्टा मीठा हो गई। एक मिनट के लिए तो ये बोलना शुरू कर देते हैं, बस टाइम हो गया, टाइम हो गया। बच्चे एकदम रेडी हैं और इनके टिफिन, लंच, पानी की बोतल सब कुछ ध्यान से, एक दिन तो गाड़ी के वहीं देख आई थी बोतल भी, इसलिए शाम के टाइम ही आधी से ज्यादा तैयारी करके लुटते हैं। खाली मैंने कह दिया था भैया को, मगर भैया वहीं भरवा दिया, रास्ते में गए 12 पे। ये पेन पेन रख लिए, नहीं तो सारे एकदम से निकाल लेंगे। पेन सारे एकदम से निकाल लेंगे, अभी कह देंगे 3 दिन बाद खत्म हो गया। अच्छा ये मुझे ही रखने पड़ेंगे इसकी। अच्छा ये तो खत्म वाला है, ये तो खत्म वाला तो है, लेकिन उसमें से पेंसिल निकाल, ये पेन निकाल ले करो, मशीन में से कई फेरी निकाल लिए, मशीन में से तो ज्यादा निकाल लिए। 7 बच रहे होंगे, 2 ले लिए एक उसमें। अच्छा 7 बच रहे, ठीक है, तो मेरी परमिशन के बिना भी ना कोई नहीं छूएगा, ठीक है? ओके। ओ हमारी बेबी डॉल भी एकदम रेडी है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। आज तो कतई बार भी लग रही ब्लू कलर की। इधर आओ, इधर तो देखो, इधर मैं कैसा लग रहा हूँ, इधर आओ, बाहर निकल के आओ जरा। ये देखो नया बैग मंडे से, ये देखो ये है इसकी फुल ड्रेस, ये मेरा बेबी, वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हो। अपना बैग टांगो, थम्स अप। तो बच्चे हमारे सारे तैयार हैं, चलो जी छोड़ आओ इन्हें। हैं क्या हो गया, वजन लग रहा है उसी को, बैग वो ले तो लिया गुड चिंकी ने। अभी बच्चों को भेजने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। आलू और शिमला मिर्च माँ ने काट दिए थे और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, तो सब्जी बना लेंगे। और रात जो है हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बारिश वाला मौसम था, देखो मौसम तो रात ख़राब ही था, तो जैसे ही बिजली जो है आसमान में बोल रही थी ना रात के टाइम में, रात 12:30-1 बजे सी, उसके बाद में जो है ऐसी इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी बादल घोड़ने की बहुत ज़्यादा, तो जब से लाइट नहीं आई। और आज माँ ने हाथ की रही का इंतज़ाम कर दिया है, थोड़ी सी दही है वो जो हम लोग मलाई वगैरह इकट्ठी करके लगा लेते हैं। तो मेरा तो कड़ी खाने का मन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे माँ ने जो है जब आलू शिमला मिर्च काट दी, तो फिलहाल इनसे काम चलाएंगे। नाश्ते मैंने बच्चों को राजमा बना के दे दिया, तो राजमे की भी सब्जी रखी हुई है थोड़ी सी, तो चलो भाई फिर दूध भी लोवेंगे, उसमें दो जने थोड़ी थोड़ा हर टाइम अपना देवेंगे, तो कुल मिला के ये है कि मक्खन आ जाएगा आज एकदम देसी तरीके से जो है वो दही लगाई जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आलू शिमला मिर्च की सब्जी बन चुकी है, अब बस इसे किसी छोटे बर्तन में निकाल कर रख लेंगे और रोटी सेकेंगे हम लोग 2:30 बजे जब बच्चे आएंगे। ये काम हमारा निपट गया, अब चूल्हे की राख निकाल लेंगे, इसे साफ़ सफाई कर देंगे यहाँ को, और दूध गर्म हो गया। बाकी जो नाश्ता था बच्चों का वो गैस पे के चूल्हे पे बना था, लेकिन वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी, अभी यहाँ पे छाँ थी ना, मैंने काम आ को मगर चूल्हा ही जला लेंगे थोड़ी देर के लिए ही सही, बहुत सारे काम हो जाए एकदम, तो इस पर दूध गर्म हो गया, सब्जी बन गई झटपट से, 15 मिनट नहीं लगी होगी सब बनते, एक दिन में नहीं काम कर दिया, तभी तो इसमें इतनी सी राख है, बस देखो 10:30 बज गए हैं, लाइट आ तो गई थी लेकिन बार बार जा रही, और आज सिलेंडर भरवाने का दिन था, सैटरडे के दिन को ही हमारे यहाँ पर गाड़ी आती है सिलेंडर की, तो ये आ गया है अभी, बस स्टोव से ही ले लेते हैं। तो लाइट अब फिर चली गई है, बीच में कई बार लाइट ने बंक कर दिया, तो अब लगाएंगे झाड़ू। बाहर के जो साफ़ सफाई के, बर्तनों के, चूल्हा साफ़ करने के काम है, वो सब जो है दोनों ने मिलकर देवरानी जेठानी ने निपटा दिए। खुल जा सिम सिम, क्या बात हो रही, थोड़ा सा झटका मारना पड़े जब खुलें। तो इस अलमारी में भी देखो मैंने साफ़ कर दिया था संगवा के, पर्स यहाँ लगा रखी, और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि आईडी है, आधार कार्ड वगैरह, और सारे इस कागज़ मैंने एक जगह इस बैग में रख रखे, तो इसमें से मिल गया चौकस, देखो ठीक है ना, ये रख दिया, अगर किसी को बताऊँगी भी तो कहीं कहीं नहीं मिलने के, एक काला बैग है उसमें रखे सारे कागज़ इस तरीके से बता दूँ, और बस ये मिल जाऊँ। चलो भाई अभी जो है झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं इनको, और फिर पोछा लगाओगे, कभी धूप हो जा कभी छांव हो जा, कपड़े थोड़े से धुल गए थोड़े से रह गए, चारा काटना रह रहा, अब पता नहीं लाइट कितनी देर में आओगी, कोई भरोसा नहीं है, आ जा अब आ जा, ना आवे तो ना आवे। और यहाँ पे प्रीति ने अपने सर में कल मेहंदी लगाई थी, इसमें थोड़ी सी मेहंदी मेरे लिए भिगो कर रख दी थी, और वो बोल रही थी कि आप भी लगा लियो, तो ये मेरे लिए है, तो इसे मैं लगवाऊँगी शाम के टाइम।
अभी नहीं शाम के टाइम, क्योंकि अभी पसीने से जो है बह जाएगी और सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसे टाइम पे जब मैं बैठ कर पंखे की हवा में आराम से रिलैक्स कर सकूं, जब रेस्ट का टाइम होगा तब। बाहर जब तक घर के सारे काम करते रहो और तब तो इतना लगता नहीं धूप, और जब काम निपटा के थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अंदर आए और फिर बाहर जाके तो फिर झंके जाता बिल्कुल भी, इतना बुरा हाल हो रहा है। देखो धूप में कैसा हाल हो रहा, कपड़े धुल के सूख गए और इनके वो कहते नहीं ज्यादा हर टाइम होते ही मुरमुरे बनना शुरू हो जाए। मुरमुरे तो बहुत सारे रखेगा ये बताइयो, इतने सारे मुरमुरों का हम क्या करें। हाँ भेलपूरी भी बना सकते हैं, गुड्डू तो डाल के चाय में पीती है रोज़ और उसको भी पसंद है, लेकिन अभी भी बचे हुए हैं थोड़े बहुत, तो एक दिन मैंने उनको फ्राई भी किया था खाने के लिए। वही बात है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। अगर मूंगफली की गिरी आ जाती तो उसे डाल कर और भी अच्छे लगे, भी टेस्टी लगे, लेकिन मैं फ्राई करके फिर भी एक बार और ट्राई करूँगी ज़्यादा ही मात्रा में। कल संडे है ना, कल बनाऊँगी घेर में ले जाके। कल जो है घेर में पत्थर की घिसाई शुरू हो जाएगी, और कैंपर भी साफ कर दिया भाई आज तो। अंदर से तो रोज ही साफ करके भरा है, लेकिन बाहर की तरफ ब्रश वगैरह मारे ना तो वो नहीं हो रहा था, तो अभी सारे पशु जो हैं अंदर कर दिए। और पिताजी लेट से दिखे हैं इसी, पिताजी भी नहीं है और चाचा जी भी, दोनों जने घेर में हैं। माँ गई है अपनी थेरेपी करवाने के लिए गुड्डू के पापा के साथ में, क्योंकि थेरेपी माँ की तीसरे या चौथे दिन जा रहे हैं माँ। तो आज सुबह के टाइम मैं गई भी थी घेर में, कुछ सामान लेने के लिए गई। आज आरुष की बाइक मैंने यहाँ लगा रखी, यहाँ खड़ी रहेगी अंदर कमरे में, फिर मिट्टी मिट्टी हो जा चार्ज होगी। ग्रीन बत्ती दिखा दी इसने, ये देखो, नहीं तो रेड बत्ती दिखाती रहे जब ये चार्ज नहीं होती। अब इसको निकाल के रख देंगे इसके चार्जर को, अब तो चलान लगा ऐसा खूब अच्छे से आदत पड़ जाएगी उसे। कल संडे का दिन है ना, तो साइकिल उसकी कल लेकर आएंगे, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि आरुष को साइकिल दिलवाओ, अच्छी साइकिल चलावे। साइकिल तो अच्छी चलावे, लेकिन गर्मी हो रही ना ज़्यादा, थोड़ा सा बच्चे खान पीन पर ध्यान नहीं देते, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट कर दें, तो वही रहे मेरे मन में मगर भाई फिर वो कभी धूप में भी चलता रहे। तो बाइक एकदम चार्ज हो चुकी है कई दिनों बाद। अब इसके जो पहिए निकले ना, इसमें स्टैंड वगैरह तो है नहीं, तो किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट देना पड़े, ऐसे करनी पड़ेगी खड़ी इसके यहाँ से। अब वही वहाँ पे लगाना पड़ा ना, उसे सपोर्ट मिल गया तब जाके खड़ी हो गया, नहीं तो गिर जा, बहुत ध्यान से रखनी पड़े। और जो नंदनी की गाड़ी थी उसका भी पहिया निकल गया, और उसका तो स्कूटर ख़राब हो ही गया था, इससे भी खेल रहा है वो कभी कभी। ये देखो ये निकाल कर रख रखे यहाँ से उसने अपने टॉयल, कुछ ऊपर रखे, एक ट्रैक्टर है लकड़ी का। अभी हमारा जो है काम समाप्त हो चुका है दोपहर तक का, अब जब खाना बनेगा जब बच्चे आएंगे, वैसे हमने सारा काम निपटा दिया। प्रीति यहीं पे है और किल लिया है, अब मैं ऊपर चली जाऊंगी थोड़ा सा व्लॉग एडिट करूंगी, और दोपहर के व्लॉग जो है फिर लेट हो जा नहीं तो। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।